नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस समय हमारे बीच में डॉक्टर बीपी अशोक साहब हैं, जो कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं। लेकिन आज हम उनसे एक पुलिस अधिकारी के नाते नहीं, बल्कि एक समाज के बुद्धिजीवी और हमें मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति के नाते आज उनसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से बहुत सारी संवैधानिक संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं, जो SC ST OBC के जो भी अधिकार हैं कहीं ना कहीं वो खत्म किए जा रहे हैं या उसके खिलाफ हो रही है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो अभी इस बीच में जो टिप्पणी आई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, क्रीमी लेयर का जो मामला है, क्रीमी लेयर के संबंध में निश्चित रूप से जो लोग ये मान के चलते हैं कि क्रीमी लेयर कोई पैदा हो गई है, सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर पैदा नहीं हो सकती। सरकारी नौकरियों में या फिर जो MP MLAs हैं या उनके अलावा जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनको क्रीमी लेयर में लिया जाता है। उससे संबंधित समुदाय में दो वर्ग हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही प्रतिनिधित्व के दुश्मन हो जाते हैं। एक तो इसलिए दुश्मन हो जाता है कि उसका दावा प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, उसका अधिकार उसे नहीं मिल पाएगा। दूसरा वर्ग इसलिए कि वो नौकरी में आने के बाद उसे मालूम है कि कुछ ही दिनों बाद उसका दावा भी खारिज हो जाएगा प्रतिनिधित्व का। अतः जो रिजर्वेशन की जो फिलॉसफी है, सेफ गार्ड की और इसकी प्रतिनिधित्व की, वो फिलॉसफी ये है कि आप जिन लोगों के बीच से जा रहे हैं, चाहे चुनकर के जा रहे हों, चाहे इलेक्ट होकर सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं, तो आप उनको शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास दिलवाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमारे साथ कोई समानुभूति है, किसी की सहानुभूति है। लेकिन जब क्रीमी लेयर के नाम पर उनका जो दावा है वो छिन जाएगा, तो वो सहानुभूति और जो प्रतिनिधित्व के पीछे दर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और सारा जो प्रतिनिधित्व है वो डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र की शर्त में आता है ये प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जो अधिकार है वो नेचुरल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। और अगर क्रीमी लेयर को ये लगता है कि उनको कुछ देना चाहिए अपने समाज के लिए, कुछ लोग छूट गए हैं उस रिजर्वेशन के लाभ से या प्रतिनिधित्व के लाभ से, तो निश्चित रूप से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर पेबैक टू सोसाइटी कर लगा करके एक फंड इकट्ठा किया जा सकता है राज्य स्तर पर या जनपद स्तर पर, जिस फंड से रोजगार सृजन हो सकता है, जिस फंड से औषधियां का इंजाम हो सकता है, जिस फंड से अन्य सुविधाएं जैसे किताबों की सुविधाएं हैं या स्कूल खोले जाने हैं, रिमोट एरियाज के अंदर सुविधाएं देनी है, साइकिलों की और बसेस की सुविधाएं करनी है, ताकि शिक्षा घर घर पहुंचे, ताकि जो फायदे हैं लोकतंत्र के वो हर आदमी को मिले, तो निश्चित रूप से उनको ये फायदा मिलेगा। और वो लोग उनके लिए हॉस्टल भी खोले जा सकते हैं उस फंड से, उससे अन्य सुविधाएं भी जिनकी उनको आवश्यकता वो की जा सकती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों चीजें एक साथ पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, उसके दावे को खारिज करने का मतलब ये है कि सोशल जस्टिस का नुकसान होगा और इससे कोई फायदा नहीं होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जिस प्रकार से एक प्रकार से आपातकाल चल रहा है, लोग मतलब बीमारी की जो महामारी का संकट चल रहा है, लोग अपने घरों में, ऐसे दौरान में कुछ इस प्रकार के फैसले या सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमारी जो आम जनता है उसके अंदर में कुछ चर्चाएं या आक्रोश भी उत्पन्न हो सकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है, उनको समर्थन करने का भी अधिकार है, उनको विरोध करने का भी अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार जनता के नागरिकों को मिलते हैं निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानूनी तरीके से ही उसका हल निकाला जा सकता है। और हर फैसले का रिवीजन होता है और उसके अलावा भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, ना ही किसी विषय में आक्रोशित होने की आवश्यकता है। ये चीजें ठीक होंगी देर सवेर। अच्छा सर, जैसे क्लोजियम सिस्टम है, तो वह भी तो एक सवाल उत्पन्न कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। उसमें एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि हर कोई ना कोई जज जो है किसी का अंकल है, ऐसा रिपोर्ट आई है, और उसमें एक ही परिवार या एक ही जाति या वर्ग के लोग ही 70 सालों से हमारे न्यायालयों में हैं।
तो वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए क्या एससी एसटी या ओबीसी के लोगों का? देखिए डॉक्टर अंबेडकर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की, तो वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व जुडिशरी में भी हो, मीडिया में भी हो, और वो पर्याप्त प्रतिनिधित्व सभी जगह, चाहे वो रक्षा सेवाएं हो, चाहे किसी भी जगह हो, अगर वो होता है तो ये संवैधानिक है और संविधान में इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं कि आगे राज्य इनकी व्यवस्था कर सकता है। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा सभी लोगों को, और चाहे परिवारवाद हो, चाहे वो एकाधिकार हो लोगों का, वो खत्म होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं नहीं है, भाई भतीजावादी खत्म होना चाहिए, और इसके लिए जरूरत है कि परीक्षा के द्वारा सारे पद दिए जाएं, और परीक्षाओं में लिखित परीक्षाएं हों, किसी भी तरह से साक्षात्कार जैसी परीक्षाएं ना हो। साक्षात्कारों के कारण सांप्रदायिकता को जगह मिलती है, भ्रष्टाचार को जगह मिलती है, और जातिवाद को जगह मिलती है, और भाई भतीजावाद को जगह मिलती है। तो साक्षात्कार खत्म होने चाहिए और जो प्रतिनिधित्व है वो पर्याप्त मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी समूह हो। निश्चित रूप से संविधान में जो लिखित है और जो स्पष्ट चीज है, और अगर कहीं स्पष्ट नहीं भी है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सी बहस हुई है, और उनसे माननीय न्यायाधीश भी और माननीय सांसद भी सभी लोग उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, और किसी भी तरह से संविधान का पालन होना चाहिए, यही कहा जा सकता है। सर मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे जाति के कारण आरक्षण या प्रतिनिधित्व की बात आई, क्योंकि ये जो वर्ग जाति भेदभाव के कारण ही जो वंचित तबका है, ये जो देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाया था या राष्ट्र के नव निर्माण में या सहभागी नहीं हो पाया था, शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस ओर ध्यान दिया कि इन वर्गों को भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए, इन्हें भी देश के जो मुख्य धारा वहां शामिल करना चाहिए, शायद इसलिए आर्टिकल 16 में यह प्रावधान किया गया। लेकिन जो व्यवस्था के कारण यह सब हुआ, उस व्यवस्था के खत्म करने की बात कोई नहीं करता है, हमारा न्यायालय भी नहीं करता है, और ना ही हमारे कोई नेता इस पर कोई अध्यादेश लेकर आते हैं कि जाति जो है जाति व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए देश के अंदर जाति के खिलाफ कोई कानून नहीं है, जो कानून है जातिवाद के खिलाफ है, जाति भेद के खिलाफ है, उत्पीड़न के खिलाफ है। बाबा साहब ने किताब लिखी है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसके अनुसार, जिसके मार्गदर्शन के अनुसार कास्ट को खत्म किया जाना चाहिए। बिना कास्ट को खत्म किए हुए नेशनलिज्म है राष्ट्रवाद को किसे परिभाषित नहीं किया सकता। कास्ट के खिलाफ कानून की मांग उनको भी करनी चाहिए जो लोग। अब आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से पहल करनी चाहिए कि वो जाति, जब जाति को खत्म करेंगे जाति खत्म हो जाएगी, और अफर्मेटिव एक्शन रहेगा अकेले, तो जाति पूछना, जाति बताना, जाति के संबंध में अखबार में देना, जाति के संबंध में एनजीओ बनाना, जाति के नाम पर शादी ब्याहों का प्रचार करना, जब खत्म हो जाएगा तो बहुत कम समय लगेगा जाति को खत्म होने में। और जो लोगों की समस्याएं हैं, जो इंटरेक्शन की कमी के कारण अंतर जातीय व्यवहार नहीं बढ़ पाए, लोगों की दोस्ती नहीं हो पाती, लोग सहयोग नहीं कर पाते, लोगों में सांप्रदायिकता बढ़ती है, जातिवाद बढ़ता है, उत्पीड़न बढ़ता है, ये सब चीजें भी खत्म हो जाएंगी अगर कास्ट के खिलाफ, जाति के खिलाफ एक एक्ट बन जाए। तो इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या करना चाहिए, आपकी क्या मतलब संदेश होगी? लोकतंत्र में जो आम नागरिक है वो ज्ञापन दे सकता है अपने प्रतिनिधियों को, उनसे मांग कर सकता है, उनसे मिलजुल करके कह सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में कानून लेकर के आइए, प्रार्थना कर सकता है, और जो विभिन्न मंच हैं उनसे भी बात कर सकता है, सेमिनार से इसमें की जा सकती है कि जाति के खिलाफ कानून बनना चाहिए, क्योंकि जाति से हर आदमी का नुकसान है। ये हो सकता है किसी आदमी को आज की तारीख में नुकसान ना दिख रहा हो, क्योंकि वो आज की तारीख में हो सकता है कोई जाति वाला फायदा उठा रहा हो, लेकिन देर सवेर आगे पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर भारतवासी को जाति से नुकसान है। इसके संबंध में 2015 में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आए थे, उन्होंने कहा भी था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति, जिसके कारण लोगों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, लोग वर्क नहीं कर पाते, प्रोफेशंस में भी टीम भावना की कमी रहती है, बहुत सी चीजें अब तक के सर्वेज में निकल करके आई, और आज भी अनटचेबिलिटी हर चौथे परिवार के अंदर मौजूद है, और उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि जाति के खिलाफ कानून बनाया जाए। जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व तो लोगों का नेचुरल राइट है, वो तो आज भी कल भी किसी ना किसी रूप पर रहना चाहिए और रहेगा। सर आपसे मैं सिर्फ दो सवाल और करूंगा,
पहला ये कि जिस प्रकार से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए, और मौलिक कर्तव्य तो सरकार को भी निभाना चाहिए कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम जब टेलीविजन चालू करके देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई तंत्र मंत्र ज्योतिष बैठे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, लोगों का जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसमें बाधा पहुंचाते हैं, तो इस पे भी कोई कानून नहीं बनना चाहिए क्या? देखिए, जो अंधविश्वास है उनके संबंध में एंटी मैजिक एक्ट बना हुआ है, महाराष्ट्र में बनाया गया जी, लेकिन ये पूरे देश के अंदर अंधविश्वासों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को, महिलाओं को और कम पढ़े लिखे लोगों को, जिनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, उन लोगों की छली होती है, और अंधविश्वासों के आधार पर बहुत जगह नरबलि देखी गई, कहीं कोई जीप काट रहा है और या कई जगह 11-11 लोगों ने सुसाइड कर लिए। तो इस तरह के लोग जो प्रचार करते हैं अंधविश्वासों का, ये IPC की धारा 420 का अपराध भी है, और इसके लिए अलग से कानून भी बनाया जाना चाहिए, कानून बनाया जा सकता है। और अंधविश्वासों में बहुत सारी ऊर्जा खत्म होती है, बहुत संसाधन खत्म होते हैं और बहुत समय खर्च होता है, जिस समय को हम वहां से बचा करके हम उसको प्लानिंग में लगा सकते हैं, अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करने में लगा सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट में लगा सकते हैं और वो विकास में लगा सकते हैं। तो अंधविश्वासों पर खर्च होने वाला ये सब बंद होना चाहिए, और बंद तभी हो सकता है जब उसके लिए एक विशेष रूप से एक एक्ट बन करके आए। सर, मैं आपसे एक आपराधिक मामले पर चर्चा करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोग, कोई भी महापुरुष हो, डॉक्टर बाबा साहब को तो आए दिन लोग गाली बकते रहते हैं या भारतीय संविधान पे गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, उनपे पुलिस कार्रवाई बहुत तेजी से नहीं करती, ऐसा मुझे नजर आता है। बहुत ज्यादा ज्ञापन देने पड़ते तब जाके कार्रवाई होती है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके संबंध में SC ST एक्ट के अंदर प्रावधान भी है जी, और FIR लिखी जाती है, ऐसा नहीं है, और FIR लिखने के बहुत से तरीके हैं। आदमी कोर्ट भी जा सकता है FIR लिखाने के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकता है, और आज सोशल मीडिया भी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नंबर भी आम जगह लिखे होते हैं, थाने के नंबर भी लिखे होते हैं, CUG नंबर भी है, गूगल से आप ले भी सकते हैं, तो कहीं ऐसी शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये बात सही है कि बिना पैरवी किए हुए चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो पैरवी तो करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है लोगों को न्याय मिलता है। नहीं, जैसे अगर कोई, अगर ऐसी कोई घटना घटित हो तो हमारे दोस्तों को जानकारी देने के लिए या दर्शकों को कि वो क्या करें, जैसे गूगल में वो कौन से साइड में जाए जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर मिले। इसमें जो ग्रीवेंसेस के संबंध में इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बना हुआ है, गूगल में आपको मिलेगा, स्टेट लेवल पर भी है और सेंट्रल लेवल पर भी है, और निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है वो पूरी तरह से मदद करेगा, वहाँ क्षेत्राधिकारी भी रहते हैं, वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स भी रहते हैं, किसी के भी संज्ञान में आएगा, कोई ना कोई जिम्मेदार अधिकारी उस बीच में हायरार्की के अंदर रहता है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, उसका संज्ञान लेकर तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस संबंध में ठीक से एप्लीकेशन और बिल्कुल ईमानदारी से ड्राफ्टिंग हो, ये आवश्यक है, और ऐसा ना हो कि किसी अफवाह के आधार पर FIR लिखी जा रही है, तो ऐसे मामलों में कई बार जांच में देरी होती है, लेकिन जो SC ST एक्ट के मामले हैं उनका संज्ञान तत्काल लिया जाता है, कार्रवाई भी होती है। सर, आखिरी में आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं आती हैं, जो भी सुन रहे हैं समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का जो हल है वो संवैधानिक रूप से निकालिए, कानूनी रूप से निकालिए, क्योंकि तो एक बार चाहे वो सोशल मीडिया की पोस्ट आपने गलत डाल दी हो, चाहे आपसे कोई स्टेटमेंट गलत हो जाए, कोई गैर कानूनी बात आपसे हो जाए, या कहीं आप गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बन जाए, तो उसमें आपका भविष्य खराब होता है, खासतौर से वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य खराब होगा, या जो अपनी नौकरी में है उनका भविष्य खराब होगा। एक मुकदमा लिखते ही आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी, आपको पासपोर्ट वीजा बनने में दिक्कत आएगी, मुकदमा लिखने के बाद में आपको लाइसेंस बनने में दिक्कत आएगी, और बहुत सारे रोजगार सृजन के जो मौके हैं प्राइवेट सेक्टर में वो भी खत्म होंगे। कोई भी ऐसी गलती ना करें, जो हिंसा है या जो गैर कानूनी स्टेटमेंट है या वल्गर स्टेटमेंट्स हैं, वो ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही सड़क पर, इस तरह की चीजें कोई हल नहीं निकालती, हिंसात्मक जो तरीके हैं उनसे कोई हल नहीं निकलता। हल जब भी निकलेगा कानूनी तरीके से निकलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से निकलेगा, उसमें हो सकता है आपको लगता हो कि देर होगी, लेकिन देर नहीं होती,
हिंसात्मक तरीके में तो बहुत ज्यादा देर लग जाती है, जितनी भी विद्रोह जितनी क्रांतियां हुई दुनिया के अंदर बहुत समय लेती है, लेकिन जहां भी लोकतंत्र स्थापित हो गया उसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। वो लोग कानून के सहारे और लोकतंत्र के सहारे ही अपनी बात को रखें, अपनी बात पर पैरवी करें, पैरवी करनी पड़ती है चीजों की, ये बात सही है, लेकिन वो पैरवी करने का अधिकार है जब आपके मांग को आपकी चीजों को समर्थन मिलेगा और मोरली आप साउंड होंगे तो आपकी समस्या हल होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या ना हो। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और हम चाहेंगे भविष्य में भी आपसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहें।